खुद तुम अकेले अकेले एंजॉय करो और हमारा कोई फायदा ना हो, ये क्या बात है? आप और डैड अच्छे से जानते हैं कि मैं हारिब को कितना पसंद करती हूँ और उससे हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन हारिब वो मुझे पसंद नहीं करता है। मुझे हर चीज से नफरत है, पार्टीज, डांस, म्यूजिक, मुझे नफरत है, मुझे बहुत नफरत है, मुझे नफरत है। मान, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। क्या हो गया तुम्हें? इस वक्त तुम मेरे साथ हो। Why are you being so sad and depressive? I'm really sorry, Harib. पता नहीं मैं क्या क्या कह रही थी। तुम नफरत की बात कर रही थी। इस वक्त तो सिर्फ तुम्हें मोहब्बत की बात करना चाहिए। हाँ, मुझे मोहब्बत है। अब सिर्फ मोहब्बत है। किन किन चीजों से? एक आम सी गाड़ी को टैक्सी समझकर उसकी पिछली सीट पे बैठे मुख्तसर से सफर से, समंदर किनारे डूबते सूरज के मंजर को देखने से, किसी हमेशा साथ निभाने वाले का हाथ मजबूती से थामकर साथ चलने से, कमरे में बैठे रिलैक्स होकर चाय के कप के साथ दो चार मोहब्बत भरी बातें करने से, किसी मोहब्बत करने वाले के कंधे पे सर रखकर खामोश बैठने से, यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठने और किसी के पास आके बार बार तंग करने से, इन सब छोटी छोटी खुशियों से बहुत मोहब्बत है मुझे। ईमान, जिन जिन चीजों से तुम्हें नफरत है, मुझे भी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और जो चीजें तुम्हें पसंद है, मुझे भी वही चीजें एक्साइट करती हैं। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने हम दोनों को मिलाया है कि हमारी सोच बहुत हद तक मिलती है। चलो भाई, आप कुछ खा भी लेना चाहिए। वैसे भी मुझे अच्छे खाने से भी मोहब्बत है, लिहाजा हम खाने को एंजॉय करते हैं। एक्सक्यूज मी। जो भी है, मैं अपनी बेटी को सबसे पहले देख रहा हूँ। हेलो डैड। हाय मॉम। अमर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक हो गया? यार डैड, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज बचत हो गई, नहीं तो वो ट्रैफिक वाला मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा था। बेटा, अगर ये अमेरिका होता तो कभी बचत ना होती। आई नो डैड, वहाँ की लॉस बहुत सख्त, पर एटलीस्ट वहाँ का एनवायरमेंट ऐसा नहीं है। यहाँ तो ऐसा लगता है हर कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, हर कोई घूरता रहता है, पब्लिक में इजीली आप घूम फिर नहीं सकते। What the hell is going on with your Pakistan, Dad? बेटा, तुम्हारी हारिब से बात होती है? हारिब? He's totally changed, Mama. वो पहले तो ऐसा नहीं था। ना socialize करता है, ना किसी parties में जाता है। He's aloof and introvert, Dad. बेटा, इसीलिए तो कह रही हूँ। सोच लो, ये सारी जिंदगी का मामला है और उनका स्टैंडर्ड हमसे लो है, तुम एडजस्ट कर लोगी? मेरे ख्याल में तो ये अच्छी बात है। हमारी बेटी को ऐसी ही फैमिली में जाना चाहिए जो इसे खुद पर सुपीरियर समझे और इसे इम्पोर्टेंस दे। इस तरह इसकी और हमारी ज्यादा इम्पोर्टेंस रहेगी। और मैं ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कल को कोई दूसरी फैमिली हमें डोमिनेट करे। क्यों अंबर? आई लाइक हारिब और आप सब की बात अच्छे से जानते हैं। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोचूंगी भी नहीं। बस आई डोंट लाइक इग्नोरेंस। डोंट यू वरी, मैं होना सब ठीक कर लूंगा। चलो अब तुम जाओ और जाकर रेस्ट कर लो। एंड डोंट फॉरगेट, तुम्हें कुछ दिन में हमारा बिजनेस भी ज्वाइन करना है। एंड दिस टाइम डोंट डिनाई।
वेल यार, अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, इस बारे में जरूर सोचूंगी। फिलहाल मैं सोने जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट। ओके बेटा, गुड नाइट बेटा। एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? तो फिर मुझसे वादा करो कि जो हाथ पकड़ा है ना, ये कभी नहीं छोड़ोगी तुम। क्या हुआ ईमान, सब ठीक है? जी बिल्कुल सब ठीक है। तो तुम अभी तक ना सिर्फ सही सलामत जिंदा हो, बल्कि जिंदगी को एंजॉय भी कर रही हो। बड़ी सख्त जान निकली हो, लगता है फिर से चूहे बिल्ली का खेल शुरू होने वाला है। देखते हैं किसकी मौत होती है इस बार। दिलावर ने कभी हारना नहीं सीखा और ना कोई हरा सका है, और तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और इंटरेस्टिंग चैलेंज हो। अनम बात सुनो। हाँ। ये तुम हारिक के पीछे इतना वक्त क्यों जाया करती रहती हो? क्या मतलब? मतलब ये कि हम सबको पता है कि तुम हारिक को पसंद करती हो। जिस तरह तुम उसकी अटेंडेंस लगाती हो, उसके लिए असाइनमेंट बनाती हो, उसके लिए नोट्स बनाती हो, यहाँ तक कि उसकी रॉ की साथ वाली सीट में बैठती हो, और वो है कि तुम्हें छोड़कर एक फजूल सी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। कौन सी लड़की? क्या मतलब? देखो मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? बात यह है कि हारिब एक लड़की के पीछे, ईमान, जो कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की एक साइको है। नहीं नहीं, हारिब की चॉइस इतनी खराब नहीं हो सकती। हैरत है, तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया? हमें भी ऐसे ही लगता था, मगर अफसोस हारिब की चॉइस खराब हो चुकी है। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मत करो किसी के लिए इतना कि सामने वाला तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले। मैं तो कहता हूँ हारिब के लिए नोट्स बनाना छोड़ दो, और हाँ जरा उस पर नजर रखो, पता नहीं किस दुनिया में रहती हो तुम। मेरी बात पर गौर करना। हाय हारिब, क्या कर रहे हो? ओ हाय, आओ बैठो। बस कुछ नहीं यार, घर जाने लगा। आज इतनी जल्दी क्यों है? क्या यूनिवर्सिटी में दिल नहीं लग रहा? क्या मतलब? मतलब ये कि आज वो ईमान जो नजर नहीं आ रही। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब क्या होना है, हर किसी को पता है कि तुम उस वेट से लड़की के साथ घूमते रहते हो। लगता है बड़ी दोस्ती है तुम्हारी उसके साथ। देखो अनम, पहली बात तो ये है कि आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन। फिर चाहे मैं उस वियर लड़की के साथ दोस्ती रखूं या तुम जैसी नॉर्मल लड़की के साथ, मेरी मर्जी। और दूसरी बात, हम यूनिवर्सिटी फेलोज हैं और अच्छे दोस्त हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती खराब हो। क्या तुम चाहती हो? खैर मेरा
वो मतलब नहीं था। तो फिर चिल करो ना यार, तुम उन बातों की परवाह क्यों करती हो जिनसे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं। जाओ अपने दोस्तों में बैठो, एंजॉय करो, मैं भी चलता हूँ, बाय। बड़ी भी मैं आपको बता नहीं सकती कि हारिफ कितने अच्छे हैं, इतना ख्याल रखते हैं मेरा, सब कुछ मुझे ख्वाब के जैसा लगता है। लेकिन कभी कभी गंजाना से डर भी लगता है कि मैं सब कुछ खो ना दूं। नहीं बेटा, ऐसे क्यों सोचती हो, वो बड़ा रहीम और करीम है, बड़ा कारसाज है बेटा। ठीक कह रही हैं आप, बताएं आपकी तबीयत कैसी है? अरे ईमान आई हुई है। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हो। बहुत प्यारी लगी हुई यार तुम तो। थैंक यू, बैठो ना। इससे बड़ी भी एक बात है, ये तो शादी के बाद बिल्कुल भूल गई है हमें, कितने दिन बाद घर आई है। अरे बेटा जाहिर है उसका अपना घर है, उसने अपने शौहर को भी देखना है, यूनिवर्सिटी भी है और जॉब भी करती है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो फिर भी वक्त निकाल कर आ गई है। तो और क्या, इनफैक्ट तुम्हें बड़ी बी को मेरे घर लेकर आना चाहिए था। यार कितने दफा इरादा किया लेकिन हर बार घर का कोई ना कोई काम बीच में निकल आता है, ऊपर से स्कूल में बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे थे। अच्छा देखो, अब तुम दोनों मिल बैठी हो ना, गिले शिकवे खत्म करो। ईमान तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। क्या बड़ी बी? खुशबख्त के ससुराल वाले आए थे इसकी शादी की तारीख तय करने। वाकई बड़ी बी, ये तो बहुत खुशी की खबर है। अगले महीने की किसी तारीख का कहकर गए हैं क्योंकि लड़का अगले माह ही खुशबख्त को लेकर दुबई चला जाएगा। दुबई? इसका मतलब खुशबख्त भी दुबई चली जाएगी? मैं तो नहीं जाना चाहती, बड़ी बी को छोड़ के जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो बड़ी बी एक काम करें, इसकी शादी के बाद आप मेरे पास आके रह लीजिएगा, ठीक है? तुम मेरी फिक्र क्यों करती हो बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे तंदुरुस्त सेहतमंद और चलता फिरता बनाया है, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ, मैं किसी पे बोझ बनना नहीं चाहती बेटा। मगर बड़ी भी आपने हमें इतनी मोहब्बत से पाला है, सगी माँ से बढ़कर परवरिश की है, अब आपको यूं अकेले छोड़ के जाते हुए दिल नहीं मानता। बेटा तुम मेरी तरफ से ना बेफिक्र हो जाओ, बस मेरी दुआ है कि तुम दोनों अपने अपने घरों में शाद और आबाद रहो, मेरी फिक्र करनी छोड़ दो मेरा बच्चा। तुम जाओ इसके लिए कोई चाय वाय लेकर आओ, जाओ अभी लाती हूं। जाओ शाबाश। और बेटा अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीती रहो। कैसी हो बेटा, बड़ी भी कैसी है? उन्हें कहो ना कभी यहाँ आए, हमें भी मौका दे मेहमान नवाजी का। बिल्कुल ठीक है बड़ी भी आंटी, वो बस आजकल खुशबख्त की शादी की तैयारियों में मसरूफ है ना, तो इसलिए नहीं आ पाती, थोड़ा बिजी है। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे आप ये क्यों कर रही हैं, लाए मैं कर दूं। कोई बात नहीं बेटा, मैं कर लूंगी, तुम्हें बुटीक जाना होगा, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। अरे आंटी नहीं, आज मेरे बुटीक की जो है वो छुट्टी है, तो मैं कर लूंगी, आप आराम से बैठे। अल्लाह ने तुम दोनों को मेरे लिए रहमत बनाकर भेजा है, पता जब से तुम इस घर में आई हो ना, मुझे यूं लगता है मुझे अल्लाह ने बेटी अता कर दी, और हारिफ की सूरत में बेटा। आंटी ऐसी कोई बात नहीं, खुशकिस्मत तो हम हैं जो हमें आप जैसी मोहब्बत करने वाली और ख्याल रखने वाली मालिक मकान मिली। हारिफ बहुत अच्छा लड़का है बेटा, मैं अक्सर देखती हूँ वो तुम्हारे लिए अपना वक्त निकाल कर आता है, तुम्हारा बहुत ख्याल करता है, तुम हमेशा उसे खुश रखना बेटा। जी आंटी। शौहर अगर मोहब्बत करने के साथ साथ बेहतरीन दोस्त भी हो ना, उसके ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। अब मुझे देख लो, तुम्हारे अंकल की वफात के बाद से उनकी कमी कभी कम नहीं हुई, बल्कि वक्त के साथ साथ उनकी कमी का एहसास बढ़ता गया।
बहरहाल किस्मत के आगे हम सब बेबस हैं और कर ही क्या सकते हैं। आप परेशान ना हो, आप रेस्ट करें जाके, मैं ये सब कुछ कर लूंगी, आप फिक्र नहीं करना। खुश रहो बेटा। हारिब का मैसेज आया है, वो आज अपने दोस्त के घर पर ही रहेगा, कल आएगा। ये हारिब आजकल कुछ ज्यादा घर से बाहर नहीं रहने लगा, पहले तो देर से सही घर तो आ जाता था। मालूम करो कहाँ रहता है आजकल ये। आप भी ना, बच्चा थोड़ी है वो, एंजॉय करने दें उसको, एंजॉयमेंट के दिन है उसके। फिर तो प्रैक्टिकल लाइफ और जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां। फिर भी मालूम करो, मुझे डर लगा रहता है कहीं वो जीशान के साथ ना घूमता फिरता हो। पता है तुम्हें, उसका भाई दो नंबर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। आप फिक्र ना करें, मैंने हारिब को समझाई थी ये बात और उसने भी मुझे तसल्ली दिलाई थी कि मामा अब मैं उन लोगों में नहीं उठता बैठता। फिर भी नजर रखो उस पे, यू मस्ट कीप चेक एंड बैलेंस ऑन हिम। डोंट वरी, मुझे अपने बेटे पे ट्रस्ट है, वो आजकल के लड़कों जैसा नहीं है, थोड़ा सा जिद्दी है। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। खैर ये तो है, बहरहाल फिर भी उस पर नजर रखो।